5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। सर, इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू इनिशिएट दिस इम्पॉर्टेंट डिबेट ऑन द 6th प्लान इन दिस अगस्त हाउस। ऑल्दो आई हैव बीन इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ओनली फॉर अ फ्यू डेज, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी एलॉन्ग विद माई कलीग्स इन द कैबिनेट ऑफ कंसिडरिंग द प्लान इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स एंड आई शैल ट्राई टू प्रेजेंट बिफोर यू द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्लान इन द परस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स जनरल ओवरऑल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। लेट मी से एट द आउटसेट दैट द 6th प्लान कवरिंग द ईयर्स 1980-81 टू 1984-85 हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 3 डिकेड्स एंड द परस्पेक्टिव वी नीड टू कीप फॉर द नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स। द कंट्री परफॉर्मेंस इन द पास्ट हैज यील्डेड वेरी वैल्यूएबल लेसंस एंड वी मस्ट अडॉप्ट आवर स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ दिस एक्सपीरियंस। द इनिशियल कंडीशंस फ्रॉम विच द प्लान हैड टू कमेंस वर फार फ्रॉम फेवरेबल 1970-80 वाज अ ड्रॉट ईयर ड्यूरिंग विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्लम्ड, देयर वाज अ सेयर राइज इन प्राइसेस विच कंटिन्यूड ड्यूरिंग 1980-81 एंड मेनी वीकनेसेस अपीयर्ड इन द बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट एंड पावर विच इन टर्न हैड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंटरनेशनली वी फेस्ड अ शेयर राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर इम्पोर्ट्स विच रिसेशनरी कंडीशंस इन द इंडस्ट्रीज वर्ल्ड हेल्ड आउट अ थ्रेट फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। इन अ सिचुएशन सच एज दिस इट वॉज नॉट ईजी फॉर द गवर्नमेंट एंड द प्लानिंग कमीशन टू चार्ट द कोर्स ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5, 10 or 15 ईयर्स विच वुड बी बोल्ड आर डेफिनेटिव। एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री आर सो एक्यूट दैट सोल्यूशंस ब्रोक नो डिले। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस हैव बीन द बेसिक गोल्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट एंड द रिमेन सो फॉर द 6th प्लान एज वेल। इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव्स इट इज एसेंशियल ऑल्दो नॉट सफिशियंट टू अचीव अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन इनकम। द प्लान दस एम्स एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.2% पर एनम। दिस इज नॉट एन एम्बिशंस टारगेट स्पेशली सिंस 1979-80 वाज ईयर ऑफ आउटपुट, बट इट स्टिल रिक्वायर्स एसिडुअस एफर्ट्स यूटिलाइज। एक्सेस कैपेसिटी
इन द सिस्टम एंड टू बिल्ड न्यू प्रोडक्टिव कैपेसिटीज इन इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर इन पावर एंड इन ट्रांसपोर्ट सो एज टू सस्टेन द मोमेंटम ऑफ डेवलपमेंट इन द ईयर्स टू कम बियॉन्ड द प्रेजेंट प्लान पीरियड वी थिंक दिस एफर्ट कैन बी मेड इंडीड इन द फर्स्ट 18 मंथ्स since this government came to power such an effort has been made as a result the growth rate last year was 7% and is likely to be 4% this year thus the average for the plan may come to 6% In order to achieve the target growth rate of 5%, both agriculture and industry will have to perform better than in the past. In terms of gross value added, the plan envisages an average growth rate of about 4% for agriculture and about 7% for mining and manufacturing. The realization of these targets will require a substantial step up in investment as well as a considerable improvement in capacities which have already been created, particularly in such critical sectors as irrigation, power, coal, petroleum, fertilizers, cement and railways. The sixth plan lays balanced emphasis on both these aspects. The country is currently self-sufficient in food grains. However, there are still gaps in such important areas as pulses and vegetable oil seeds. Agriculture being still the foundation of our economy, the sixth plan contains a number of programs designed to further strengthen the modernizing impulses in agriculture covering both food and cash crops. As a part of the overall strategy, the area under irrigation is sought to be increased by nearly 15 million hectares over the plan period. The consumption of chemical fertilizers is expected to go up from 5 million tons of nutrients in 1979-80 to 9 million tons in 1984-85. The institutional credit for agriculture and rural development will be more than doubled over the plan period. The newly planned National Bank for Agriculture and Rural Development will act as a powerful agent for overcoming the weaknesses of the credit delivery systems, particularly in meeting the credit needs of small and marginal farmers and rural artisans. Apart from crop husbandry, considerable stress has been laid on the development of subsidiary occupations like animal husbandry, horticulture, fisheries, social and farm forestry. The dairy development program alone is expected to benefit about 15 million families. It is the declared policy
ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्म प्रोड्यूस एंड टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मार्केटिंग सो दैट फार्मर्स हैव एन एडवोकेट इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर।